और यूपी से वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। कानपुर के कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी, जहां पर सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। रेडीमेड कपड़े का ये बड़ा मार्केट जहां पर आग लगी और 800 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो चुकी है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। बहुत बड़ी अपडेट है ये कानपुर से, जहाँ पर 800 दुकानें जलकर खाक हो चुकी है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान जो आकलन किया गया उसके मुताबिक यहाँ पर हुआ है। देर रात ही आग लगी थी और किसी की भी जान हालांकि नहीं गई है, लेकिन 2000 करोड़ का नुकसान और 800 दुकानें बर्बाद जरूर हुई है। बांस मंडी स्थित AR टावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी, जिसके बाद लगातार ये आग फैलती चली गई और तमाम दुकानें एक के बाद एक इसका शिकार बनती चली गई। 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आई और उसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया है, लेकिन धुएं का गुबार अभी भी पूरे कानपुर में नजर आ रहा है। आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को हालांकि सील किया गया है एहतियातन, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब धुएं को लेकर है और आसपास के सभी क्षेत्रों में धुआं और गुबार साफ तौर से नजर आ रहा है। इसके साथ ही कानपुर देहात क्षेत्र में एक बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में भी आग की अपडेट इस वक्त सामने आई है। मतलब कानपुर में इस वक्त आज का दिन बहुत मुश्किल गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पहले कपड़ा मार्केट में आग लगी और अब अपडेट यह है कि कानपुर देहात के एक बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में भी आग लग गई है। तो यूपी से इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है ये। हालांकि CM योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के तुरंत एक्शन उठाया है और तमाम कार्रवाइयां करते हुए कहा है कि जल्द ही इसको लेकर के सरकार कोई ऐलान कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तमाम सवाल भी उठाए हैं कि किस तरह से सुरक्षा इंतजाम सही तौर पर नहीं रखे गए थे, जिस वजह से यहां पर आग लगी। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी अपडेट है, कानपुर के कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी और 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी की जान नहीं गई है जहां तक अभी तक अपडेट मिली है, लेकिन 800 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। तमाम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट जरूर खड़ा होगा। 2000 करोड़ से ज्यादा का ये नुकसान बताया जा रहा है। इसका आकलन हालांकि होना भी बाकी है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान मानकर चला जा रहा है। बांस मंडी स्थित AR टावर में ये आग लगी है और यहाँ पर इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आसपास के जिले से बुलाई गई, जिसके बाद बमुश्किल दोपहर तक आग पर काबू पाया गया है। रात करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है। आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही एक अपडेट और आ रही है, वो ये कि कानपुर देहात क्षेत्र में बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में भी आग लग गई और यहाँ पर भी अब तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो कानपुर शहर के लिए आज का दिन निश्चित तौर पर मुश्किल भरा नजर आ रहा है। पहले कपड़ा मार्केट में आग लगी और अब कानपुर देहात में बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में भी आग की खबर है। तो कानपुर के कपड़ा मार्केट में रेडीमेड कपड़ों का ये बहुत बड़ा मार्केट उत्तर प्रदेश में माना जाता है, यहाँ पर ये भीषण आग लगी जिसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। 800 दुकानें जलकर खाक हुई है। 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। देर रात ये आग लगी, हालांकि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 800 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। बांस मंडी स्थित AR टावर में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद इस पर काबू पाने के लिए 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचना पड़ा और 1 किलोमीटर के दायरे को फिलहाल सील कर दिया गया है और आसपास के इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। कानपुर देहात की एक ऑयल फैक्ट्री में भी आग की खबर है। हालांकि ऑयल फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, यहां पर कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन आग की खबर है और आग की लपटें कानपुर देहात में भी साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो यूपी से इस वक्त की सबसे अहम अपडेट है, कानपुर के रेडीमेड कपड़ों के मार्केट में भीषण आग लगी है, जहां पर सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। 800 दुकानों के करीब जलकर खाक हो चुकी हैं और 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट।